दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा में अब तक 13 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। घायलों में 56 पुलिस वाले भी। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी, 4 इलाकों में कर्फ्यू लगा। दिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। कर्फ्यू के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने देर रात हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हिंसा के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, साथ ही सभी स्कूल आज भी बंद। पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। दिल्ली हिंसा में एफआईआर की मांग वाली याचिकाओं और शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शाहीन बाग में जारी धरने का आज 74वां दिन। दिल्ली हिंसा पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पीएमओ से अपील, कहा दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती हो। बोले पुलिस हिंसा फैलाने वालों से मिली हुई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के बाद एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी कपिल मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली हिंसा पर विदेशी पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया। ट्रंप बोले हमले के बारे में सुना लेकिन चर्चा नहीं हुई। धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रधानमंत्री मोदी से जरूर बात हुई। बिहार विधानसभा में एनआरसी नहीं लागू करने का प्रस्ताव पास। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एनपीआर से विवादित क्लॉज हटाने की मांग की। और निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चारों दोषियों की फांसी फिर टलने की आशंका। अलग अलग फांसी देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मार्च को अगली सुनवाई।